स्वागत है आपके अपने चैनल अमरजीत ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, हमने जो पिछले वीडियो में देखा था मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, इस वीडियो में हम देखने वाले फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। तो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल अमरजीत ट्यूटोरियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो 12th कॉमर्स के जितने सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट के वीडियो आने वाले। ये सारे वीडियो अगर आपने देखे तो आपका जो 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है इसमें आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। ये फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी मतलब क्या, माइक्रो इकोनॉमी की क्या खासियत है, इसके बारे में आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि माइक्रो इकोनॉमी क्या है। माइक्रो इकोनॉमी जो कोई भी चीज़ है जो पर्टिकुलर चीज़ की स्टडी करता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमी कोई टोटल स्टडी नहीं करता, माइक्रो इकोनॉमी कोई एक चीज़ की स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, ऐसे चीज़ की स्टडी करता है। जो माइक्रो इकोनॉमी है वो पूरे नेशनल लेवल पर स्टडी नहीं करता, पूरे नेशन का जो टोटल इनकम कितना है किसी भी जो है पीपल का, उसके बारे में स्टडी नहीं करता। ये माइक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन का क्या डिमांड है, एक पर्टिकुलर जो है प्रोड्यूसर उसका क्या मतलब सप्लाई करने का तरीका है, मतलब वो उसका एक का स्टडी करता है, एक पर्टिकुलर पीपल का इनकम का स्टडी करता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का स्टडी करता है, उसे हम माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर सेकेंड, प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी इसका मतलब ये होता है कि जो माइक्रो इकोनॉमी है ये स्टडी करता है कि कोई भी चीज़ अगर बन रहा है तो इसका प्राइस कितना होगा, वह चीज़ कितने में बिकेगा मार्केट में जाके। तो वह जो फैक्टर है, जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर, ये जो चार फैक्टर है, ये चारों फैक्टर का टोटल करने के बाद जो प्राइस निकलता है उसको वह स्टडी करता है। तो माइक्रो इकोनॉमी में यह स्टडी किया जाता है कि कोई भी अगर समझ लो यह एक मार्कर बना हुआ है, ये मार्कर समझ लो 25 रुपये का मार्केट में मिलता है, तो ये जो माइक्रो इकोनॉमी है स्टडी करता है कि इस मार्कर का जो प्राइस है वो 25 रुपये कैसे हुआ। तो जिसमें जो फैक्टर लगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड जो एंटरप्रेनर, ये चारों चीज़ों का स्टडी करने के बाद ये चीज़ का जो मार्कर का जो प्राइस है वो डिसाइड किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमी यही है कि इसमें कोई भी चीज़ का एक पर्टिकुलर जो चीज़ है उसका स्टडी किया जाता है कि उसका क्या प्राइस होगा, इसको हम मार्केट में कितने का हम सेलिंग कर सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का वो स्टडी करता है उसके प्राइस का। फिर थर्ड है पार्शियल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये होता है कि पार्शियल का मतलब आप जानते हो, किसी के साथ पार्शियलिटी करना, किसी के साथ पार्शियलिटी करना, इसका मतलब ये हुआ कि जो माइक्रो इकोनॉमी है कोई भी एक चीज़ को लेकर उसका जो अकेले में स्टडी करता है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करता है, तो इसे हम पार्शियल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिर फोर्थ है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमी कई सारे सर्टेन अजम्पशन पे बेस्ड है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब पॉपुलेशन जब उसकी काउंटिंग होती है, जो हमारे यहाँ पर जो काउंटिंग करने के लिए लोग आते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो माइक्रो इकोनॉमी में है कुछ एरिया का काउंटिंग किया जाता है, फिर इससे अजम्पशन लगाया जाता है कि बाकी जो है उनका भी वही मतलब उसी हिसाब से उसको टोटल किया जाता है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इलेक्शन होता है, तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है उसके पहले ही जो आपने देखा होगा न्यूज़ पे एग्जिट पोल बताते हैं कि हाँ इस पार्टी को इतना सीट आने वाला है, तो कैसे पता चलता है? इसका कारण यह है कि जो उन लोग क्या करते हैं, ओपिनियन पोल निकालते हैं। उन लोग ना कम से कम समझ लो कोई एक एरिया, उस एरिया में कम से कम 5 लाख लोग रहते हैं, तो उस एरिया में से 1 लाख लोगों का जो ओपिनियन है वो पूछा जाता है, फिर इससे एजम्पशन लगाया जाता है कि बाकी लोग भी इन्हीं को वोट दिए होंगे। तो इस तरह कुछ लोगों का पूछकर यह एजम्पशन किया जाता है कि बाकी लोगों का भी यही विचार होगा, तो इसे हम कहते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। फिफ्थ पॉइंट है स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमी जो है कोई भी चीज़ को ना स्लाइसिंग मतलब कट, कोई चीज़ को कट करके स्टडी करता है। जैसे कोई भी जो नेशनल जो हमारा इनकम है उसमें एक
पर्टिकुलर जो पर्सन है उसकी स्टडी करता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पर्टिकुलर एक पर्सन है उसकी स्टडी करता है। इसके लिए इसे हम कहते हैं स्लाइसिंग मेथड। कोई भी अगर कोई जैसे कोई एक बड़ा फॉरेस्ट है तो उसमें अगर किसी एक ट्री के बारे में, किसी एक पेड़ के बारे में स्टडी करना हो तो उसे हम जब अलग करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्लाइसिंग मेथड। फिर 6 पॉइंट है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। माइक्रो इकोनॉमी जो है एक मार्जिनल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप मार्केट में जाते हो, जब आप पानीपुरी जब खाते हो, तो आप जब पानीपुरी खाते हो समझ लो आपने 4 पानीपुरी खाया, लेकिन जब आप लास्ट में जो पानीपुरी खाते हो तो उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला उसको माइक्रो इकोनॉमी में काउंट किया जाता है। फिर 7 एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो इकोनॉमी जो है यह कई सारे मार्केट के बारे में स्टडी करता है, जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो गया, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, तो ये कई सारे 3-4 टाइप के मार्केट है। ये मार्केट में ये होता है कि कोई कोई ऐसा मार्केट होता है कि जहां पर कई सारे जो सेलर रहते हैं और वहां पर आप जाओगे तो हर दुकान पे आपको आपको जो चीज देना है सारे दुकान पे मिलेगा, लेकिन कोई ऐसा मार्केट होता है कि जहां पर सिर्फ किसी एक ही के पास, अगर आप समझ लो वो चीज लेने जा रहे हो तो किसी एक दुकानदार के पास मिलेगा, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो उसे मोनोपोली मार्केट कहा जाता है। तो ऐसे 3-4 टाइप के मार्केट है। तो अभी आप जब आपका जो 5th चैप्टर चालू होगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मार्केट के कितने सारे टाइप्स है। तो आपको अभी यह समझ लेना है कि जो माइक्रो इकोनॉमी है यह जो मार्केट है 3-4 टाइप के मार्केट, उन मार्केट का भी अच्छे से स्टडी करता है। फिर जो द लास्ट पॉइंट 8 लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमी में एक लिमिटेड स्कोप है, उसमें जो है अनलिमिटेड स्कोप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेशनल जो हमारा इंडिया है उसमें कोई किसी का कंज्यूमर है तो उसका क्या मतलब डिमांड है, तो उसका टोटल कंज्यूमर का डिमांड के बारे में स्टडी नहीं किया जाता है, सिर्फ लिमिट में एक कंज्यूमर का डिमांड का क्या उस कंज्यूमर का डिमांड है उसका स्टडी किया जाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी के टोटल 8 पॉइंट मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। आने वाला जो आपका जो कॉलेज में यूनिट टेस्ट है इसके लिए आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्प होगा। साथ ही साथ आपका जो बोर्ड एग्जाम आएगा उसमें भी यह वीडियो अगर आपने अच्छे से एक दो बार आप अच्छे से अगर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी क्या है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 4 से 5 मार्क्स का हर साल यह क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड, बाय।